हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज भी फिलहाल सुबह के बज गए हैं 10 और गाइज आज कोहरा बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है और हम भी फिलहाल अभी आए हैं छत पे और कोहरा आपको दिखा देते हैं। गाइज बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ देख सकते हैं आप सभी लोग बाहर, बता रहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम भी मार्केट गए थे, करीबन 9 बजे के आसपास मार्केट गए थे, दुकान पे गए थे दुकान को खोलने के लिए। तो गाइज बता रहे हैं सामने मतलब कि कौन सी गाड़ी आ रही क्या कुछ, मतलब एकदम ब्लर है, एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। बस थोड़ी दूरी पे मतलब मुश्किल से 10 मीटर के बाद जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। और एक सबसे अफसोस की बात यह कि हमको मतलब हमने देखा और करीबन 9 बज भी रहे थे तो ये स्कूल बसें आ रही हैं जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए एकदम सिकुड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा ठंड भी है और कोहरा भी बहुत ही ज़्यादा है। और ऐसे में गाइस एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और मतलब ये सोच के बड़ा दुख हुआ कि भाई बसें जा रही हैं और जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं और स्कूल बसें बसों में आप लोग जानते हैं करीबन 30-35 बच्चे जो भी रहते हों, जैसे मतलब जैसा सीट रहता हो तो बच्चे रहते हैं। तो मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं बट ये कि बाई चांस अगर मतलब मौसम ख़राब है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में जो है स्कूलें खुली हुई हैं, बच्चे 30-35 बच्चे बैठे हुए हैं, बाई चांस अगर एक्सीडेंट हुआ तो यार वाकई में गाइस वो बहुत ही दर्दनाक हादसा होगा। तो स्कूलों को मतलब फ़िलहाल जैसे इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है तो स्कूलों को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ये कि फिर भी उस स्कूलें खुली हुई हैं, मतलब सरकार ने तो बंद किया है, हालांकि शायद सरकारी स्कूलें बंद है लेकिन प्राइवेट में जो भी हमने देखा है अभी कुछ इंग्लिश मीडियम के स्कूलें हैं, कुछ जो है हिंदी मीडियम भी हैं और बसें आ रही हैं जा रही हैं और जो है बच्चे बैठे हुए हैं एकदम सिकुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही भाई गलत बात है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये गलत है बिल्कुल भी और ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो लोग भी हैं प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें और आप सभी लोग जो भी बाइक चला रहे हैं, जो भी 4-व्हीलर है 2-व्हीलर जो भी है अपना भाई चल रहे हैं तो थोड़ा सा संभाल के चलें क्योंकि हाईवे पे और भी रोडों पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और फिलहाल अभी हमने देखा गाइज जो गाड़ियाँ हैं ना वो 40 की स्पीड से ज़्यादा चल ही नहीं रही, बहुत धीरे धीरे चल रही, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ हैं जो गाड़ियों को बहुत ही तेज़ लेके चल रहे हैं और ऐसे में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और अभी खबरें भी मिली हैं और मतलब लोगों ने बताया, जैसे जान पहचान के लोगों ने कि यार बच गए, एक्सीडेंट होने से बच गए, बस एक्सीडेंट होने वाला था और एकदम नज़दीक में गाड़ी खड़ी थी कुछ पर दिखाई नहीं। तो भाई स्पीड स्लो रहेगा तो आप ब्रेक भी लगा सकते हो क्योंकि, और देखिए बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जैसे किसी का हेडलाइट खराब हो, किसी का जो इंडिकेटर खराब हो गया है तो वो क्या करें, तो वो भी धीरे धीरे लेके चल रहे हैं तो, लेकिन वो इंडिकेटर और लाइट जैसे जल रहा है फिर भी तो बहुत ना के बराबर लेकिन पर दिख रहा है, अगर जिसमें नहीं चल रहा है वहाँ तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो गाइज कोहरा बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज हमको भी जाना है थोड़ा सा दूर, कुछ काम है और बहुत संभाल के जाना है। और देखिए अभी फ़िलहाल हम छत पे हैं और 10 बज रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बस 5 ही बज रहे हैं, ऐसा मौसम बने हुए, ठंड तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी है, लेकिन कोहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो बस इस वीडियो को बनाने के पीछे बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई सभी लोग इस चीज़ का ध्यान दें कि कोहरा बहुत ही ज़्यादा है, संभाल के चलें और ख़ासकर छोटे बच्चों का ध्यान रखें। स्कूल जो स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कोहरा बहुत ज़्यादा है तो भाई ध्यान दें, ठंड से एक बार ठीक है भाई पहने उड़े हैं बच सकते हैं, लेकिन ये कोहरा है, एक्सीडेंट बाई चांस हो गया, गाड़ी बहुत स्पीड कोई आ रही है, ब्रेक नहीं लगा, कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो जो भी है गाइज आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा और इस ब्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग बस छोटे साहब के साथ आपका मिलेगा भी और बस चलते हैं, हमें निकलते हैं कॉलेज के लिए और हो सकेगा कुछ वीडियोस हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, लेकिन जो भी है सब कुछ बहुत ही अच्छा। तो गाइस लेट हो रहा है, हम निकलते हैं और आपके यहाँ कैसा मौसम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए और हाँ, जो हमने बातें की उसके प्रति आपके क्या विचार हैं आप ज़रूर बताइए। बाकी आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।